अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद भी मज़े से गुजारी होगी। दी स्मार्ट होम मेकर्स की यह है फर्स्ट वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, देसी खानों का बादशाह है पाए। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ पाए। और आजकल तो है बारिश का मौसम, जैसे कि आप सभी को पता था, जुमेरात की बारिश है। मैंने रात में ही पाए चढ़ा दिए ताकि हम बारिश में पाए का मज़ा ले सकें। और मैंने यहाँ मसाला चढ़ाया अलग से। मैंने पाए जितने ज़्यादा अच्छे गले ना, उतने ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। अभी तकरीबन सबके घरों में पाए होंगे, तो आप लोग भी ऐसा करें, जल्दी से रात में पाए चढ़ाएं और आप लोग भी कल बारिश में पाए खाने का मज़ा ले सकते हैं। वैसे अलग ही मज़ा होता है पाए खाने का, जब तक उसको हाथ गंदे करके ना खाया जाए। वैसे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग किस तरह से खाते हैं। मैं तो इसी तरह से खाती हूँ मज़े लेके, और मज़ा भी ऐसे ही आता है। वैसे अच्छा, ये जो नली है ना, मैंने अलग करके निकाल दी है ताकि मैं इसका गूदा जो है बाद में डाल सकूं। मैं जो हूँ ना, इसका गूदा, नली का सारा गूदा निकाल के फिर मैं डालती हूँ पाए में, उसका अलग ही टेस्ट आता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक। ये देखें, ये मैंने नली का सारा गूदा अलग कर दिया और जो अंदर था उसका, अंदर का भी गूदा सारा मैंने निकाल लिया, और ये गूदा मैं इसमें डाल दूँगी, सारा गूदा। अलग ही टेस्ट आता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से पाए। अच्छा, यहाँ मैं गरम मसाला डालूँगी और मिक्स कर दूँगी इसको अच्छे से। फिर मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हुई अदरक, उसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। ये बन गए हमारे मज़ेदार पाए, बहुत ही मज़े के थे, बहुत बहुत। ये है बारिश के बाद का मंज़र, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ये शेयर करूँ, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये बिल्ली के बच्चे जो कि बड़े मज़े से बारिश के बाद मज़े से ही सो रहे हैं यहाँ पर। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।